हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। गाइस, इंग्लिश बोलने के लिए हमें वर्ड्स आने चाहिए, ये तो हम सभी जानते हैं। और बिना इंग्लिश वर्ड सीखे या जाने इंग्लिश बोल पाना तो इम्पॉसिबल है। तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ वो कैब की एक नई सीरीज़, और ये इस सीरीज़ का पार्ट वन है। इसमें हम सीखेंगे 25 घर के सामानों के नाम इंग्लिश में। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड है घर के सबसे बाहर रखे पायदान से, और पायदान की इंग्लिश होती है डोर मैट। डोर मैट। अगला वर्ड है दरवाज़ा। दरवाजे की इंग्लिश होती है डोर। डोर। ताला। ताले की इंग्लिश होती है लॉक। लॉक। फिर है चाबी। चाबी की इंग्लिश होती है की। पर्दा। पर्दा की इंग्लिश होती है कर्टन। खिड़की। खिड़की की इंग्लिश होती है विंडो। विंडो। कूड़ादान। कूड़ादान की इंग्लिश होती है डस्टबिन। डस्टबिन। अगला है धूली पात्र, डस्ट पैन, जिससे हम कचरा उठाते हैं। पलंग या बिस्तर, इसकी इंग्लिश होती है बेड। बेड। अगला है चादर, चादर की इंग्लिश होती है शीट। अगला है गद्दा, गद्दा की इंग्लिश होती है मैट्रस। मैट्रस। तकिया, इसकी इंग्लिश होती है पिलो। पिलो। तकिए का खोल, पिलो केस। पिलो केस। कंबल, ब्लैंकेट। सोफा, सोफा की इंग्लिश होती है काउच। झूमर, झूमर की इंग्लिश होती है शैंडलियर। मेज, मेज की इंग्लिश होती है टेबल। अगला है हमारा मेजपोस, मेजपोस की इंग्लिश होती है टेबल क्लॉथ। टेबल क्लॉथ। अगला है गुलदस्ते या फूलदान, इसकी इंग्लिश होती है फ्लावर वाज। दीवार घड़ी, इसकी इंग्लिश होती है क्लॉक। क्लॉक। और जो हाथ में पहनने वाली घड़ी होती है उसकी इंग्लिश होती है वॉच। वॉच। शीशा या दर्पण, इसकी इंग्लिश होती है मिरर। मिरर। कंघी, कंघी की इंग्लिश होती है कोम। ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोम की स्पेलिंग होती है COMB, लेकिन यहाँ बी साइलेंट होता है और इसकी प्रोनंसिएशन होती है कोम। स्त्री, इसकी इंग्लिश होगी आयरन। आयरन। झाड़ू, झाड़ू की इंग्लिश होगी ब्रूम। कैंची, कैंची की इंग्लिश होगी सीजर्स। मिक्सर, ब्लेंडर। छीलने वाला, इसकी इंग्लिश होती है पिलर। पिलर। गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।